मर्यादा है, शास्त्र और धर्म की मर्यादा के अनुसार कुंभ कहना उचित होगा कि ये अर्ध कुंभ कहना उचित होगा कि कुंभ अर्ध कुंभ है या पूर्ण कुंभ कहाँ, 12 वर्ष पे होता है ना बैठ। कुंभ अगर दोनों कुंभ में विलक्षणता सिद्ध करनी हो तो उधर पूर्ण विशेषण लगाते हैं, इधर अर्ध। विलक्षणता सिद्ध न करनी हो तब कुंभ ही कुंभ कह सकते हैं। तो 6-12 वर्ष में कुंभ की प्रसिद्धि है, क्योंकि नासिक में अर्ध कुंभ नहीं है, उज्जैन में अर्ध कुंभ नहीं है, तीर्थराजा प्रयाग में हरिद्वार में अर्ध कुंभ की भी प्रशस्ति है। तो चारों जगह पूर्ण कुंभ की पूर्ण कुंभ के रूप में प्रसिद्धि है। अच्छा, जहाँ पर 12 वर्ष में एक बार कुंभ सामान्य नियम यह है, एक बार कुंभ होता है, वहाँ तो अर्ध कुंभ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक ही कुंभ होता है। क्योंकि हरिद्वार में और प्रयाग में 6 वर्ष के बाद अर्ध एक कुंभ होता है, इसका मतलब दोनों में विलक्षणता सिद्ध करने के लिए अर्ध और पूर्ण विशेषण लगाने की आवश्यकता। और चंद्रमा का भी पूर्णग्रास अर्धग्रास ये सब शब्द चलता है ना, ग्रहण में भी तारतम्य है, ग्रहण में भी तारतम्य, खग्रास कहते हैं ना खग्रास, वहाँ भी तारतम्य है। तारतम्य क्यों है, क्योंकि यहाँ अर्ध 6 महीने पर कुंभ है, ये 6 वर्ष पर कुंभ है, तो 6 वर्ष पर जो कुंभ होता है उसको अर्ध कुंभ कह देते हैं, 12 वर्ष पर जो होता है पहले से उसको पूर्ण कुंभ कह देते हैं। इस प्रकार से अर्ध कुंभ पूर्ण कुंभ से अपनी विलक्षणता सिद्ध करने के लिए,